आए नराते मैया के, आते हैं हर साल नराते मैया के, आए नराते मैया के। माता रानी के सभी भक्तजन को मेरी ओर से जय माता की। फ्रेंड्स, नवरात्रों के त्योहार आ गए हैं, तो आप सभी को पता ही है कि नवरात्रों में व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रों की व्रत की सभी को विधि भी पता ही है, किस तरह से पूजन किया जाता है, किस तरह से माता का श्रृंगार किया जाता है। तो सभी भक्तजन माता को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखते हैं और माता रानी भी खुश होकर हम सभी को धन धान्य और सुख समृद्धि देते हैं। तो ये व्रत कैसे किए जाते हैं, इसकी पूर्ण रूप से क्या विधि होती है, किस तरह से माता रानी का श्रृंगार किया जाए, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं मिस नीलम भाटिया से। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मिस नीलम भाटिया, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ। जय माता दी। जय माता दी। सर मंगल मांगल्य सरस्वती शारदे शरणाई त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरा सब भक्तजनों को हार्दिक रूप से हाथ जोड़कर जय माता दी। जय माता दी। दीदी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को, हमारे माता रानी के भक्तों को ये बताइए कि किस तरह से नवरात्रों के व्रत करने चाहिए, इसकी प्रॉपर विधि क्या होनी चाहिए। ऐसा है कि जो व्रत आते हैं एक साल के अंदर, हमारे ये व्रत 5 बार आते हैं। जो 2 नवरात्रि होते हैं वो गुप्त रूप से रखे जाते हैं। उन नवरात्रों में हम लोग जो नवरात्रि रखते हैं उसमें पूजन विधि या ऐसा कुछ नहीं होता। एक नवरात्रि हमारे सावन महीने में आती है, जो चिंतपूर्णी में ज्वाला जी में मैया का मेला लगता है, वो सावन के नवरात्रि गिने जाती है। दो जो ये नवरात्रि हैं, शरदी नवरात्रि आती हैं, ये हमारे अश्वन में आते हैं। एक नवरात्रि हमारे चैत्र में आते हैं। इसमें हम माँ की जो पूजन विधि है वो बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ का पूजन करते हैं, माँ को बुलाते हैं, घर में माँ को मंत्रण देते हैं। उसके लिए हम स्टार्टिंग में माँ की पूजन विधि जो है बड़ी शुद्धि से करनी पड़ती है। खुद को स्नान आदि करके उसके बाद माँ का आसन लिया जाता है, माँ को एक अच्छी जगह पे बिठाया जाता है कि जो आपकी श्रद्धा पूर्वक आपको अच्छा लगे, उसी के अकॉर्डिंग हम माँ को जो पूजन विधि है, माँ का जो चढ़ावा है, माँ को चढ़ाते हैं। लेकिन माँ किसी भी भक्त से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ पूजन विधि के अंदर जो सामान चढ़ाया जाता है, माँ का कमल गटा, सुपारी, जायफल, नारियल, माँ की चुन्नी, माँ के पान और माँ के नारियल और माँ का एक सेंट, ये हमारा एक बहुत जरूरी सामान होता है जो माँ की पूजा के लिए हमें चाहिए होता है। फिर हम माँ के लिए जो बीजते हैं, जो उस माँ का एक स्वरूप होता है, जो हम माँ के लिए खेतरी बीजते हैं, 9 रूपों में हम उसमें माँ के दर्शन करते हैं। दशमी वाले दिन जैसे हमारी सीता माँ विदा होती है, उस समय हमारी ये जो खेतरी हम जो बीजते हैं इसे हम विदाई देते हैं। ये हमारी पूजन विधि है। माँ की कोई लोग अखंड जोत जलाती हैं, कई हमारे भक्त हैं जो सुबह शाम जोत जलाते हैं। माँ हर रूप में हमें स्वीकार करती है, अपने बच्चों को हर रूप में वो देखती है कि मेरे भक्त कैसे मेरी पूजा करें, किस विधि से करें। एक माता रानी के श्रृंगार में, खासकर नवरात्रों में माता रानी का श्रृंगार किस तरह से करें, भक्त जन ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से माँ को सजाया जाए ताकि वो माँ को खिजा सके। ऐसा है कि चढ़ाने में आजकल लोगों का एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया कि जो मार्केट में गरीमें आती हैं, जो कुछ आता है वो उसमें डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ की बड़ी शुद्धि से नवरात्रि होती है। उसमें हम लोग जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, माँ की एक मेन चुन्नी होती है, माँ का काजल है, माँ का सिंदूर है, माँ का मेहंदी है, माँ के बिछुए हैं, माँ की नथली है। इसके अलावा बाकी जो हम सामान चढ़ाते हैं वो एक दिखावा होता है, क्योंकि माँ तो एक सर्वगुण संपन्न है। माँ का जो स्वरूप है वो परमात्मा की एक देन है। हम उन्हें क्या करीमे चढ़ाएंगे, क्या हम लिपस्टिक चढ़ाएंगे, क्या हम तेल चढ़ाएंगे, लेकिन नवरात्रों में ये चीजें बाधे होती हैं कि ना तो लिपस्टिक चढ़ानी चाहिए माँ को और ना ही लगानी चाहिए, ना ही किसी क्रीम का प्रयोग करना चाहिए, ना माँ को चढ़ानी चाहिए, क्योंकि आजकल इन जो भी प्रोडक्ट बनते हैं इनमें बहुत कुछ मिला होता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के भक्तों से ये प्रार्थना है कि माँ को ऐसा कुछ भी आर्टिफिशियल चीजें मत चढ़ाएं।
जो चढ़ाना है दिल से चढ़ाओ, कम चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ जरूर। नवरात्रों में माता रानी की कौन सी कथा करनी चाहिए, ये आप भक्तजनों को बताएं। ये भक्तों की अपने 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 आप पर डिपेंड करता है कि वो माँ को किस रूप में याद करते हैं। माँ को याद करने के लिए दुर्गा स्तुति भी चलती है, दुर्गा चालीसा भी चलता है। कई लोग टाइम की कमी के कारण ये सोचते हैं कि हम दुर्गा स्तुति नहीं कर पाते, वो माँ का दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन माँ की दुर्गा स्तुति नवरात्रों में कम से कम दो टाइम बहुत जरूरी है, सुबह और शाम। सुबह सूर्य निकलने से पहले और शाम को सूरज छिपने के बाद माँ का पाठ, माँ का सिमरन। वैसे तो सारा दिन जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत का मतलब यही होता है कि हम सारा दिन माँ की याद में रहते हैं, कि जब भी हम कुछ खाने लगे हमें होगा कि हमारा व्रत है, कि हमने इस चीज को टच नहीं करना। इसी हिसाब से हम माँ को याद करते हैं, माँ के अनसंग रहते हैं, माँ हमें भी याद करती है और हम माँ को याद करते हैं। जैसे आजकल लोग कई रोगों से ग्रसित हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर आदि रोगों से, तो क्या उन रोगों, उन भक्तों को ये व्रत करना चाहिए नवरात्रि का या नहीं करना चाहिए? ऐसा है कि ये नवरात्रि जो माँ की आती है, माँ का एक फेस्टिवल के तौर पे हम मनाते हैं। जैसे हम एक शादी रखते हैं, शादी से 8 दिन पहले हम गीत बोलना शुरू कर देते हैं, घर में खाना पीना हमारा खुला चलता है। इन नवरात्रों में माँ किसी को कभी कोई बाधे नहीं करती कि ये नहीं खाओगे वो नहीं खाओगे, खाने के लिए बहुत सामान है। व्रत रखना है, फल खा लो, दूध ले लो, चाय ले लो, ऐसी चीजें आप लोग ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको शुगर या बीपी के पेशेंट हो तो आप लोगों को ये चीजें नहीं खानी। एक सिर्फ माँ अगर मना करती है तो तामसिक भोजन मना करती है, अन मना करती है, जिसमें प्याज लहसुन बैंगन की सब्जी ये चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमें कुदरत ने बहुत ऐसी चीजें दी है, बहुत नियामत बख्शी है जो हम खा सकते हैं। सात्विक भोजन में क्या कुछ आता है ये आप हमारे दर्शकों को? सात्विक भोजन में फ्रूट आता है, फल आता है, फलाहार आता है, फलाहार में कुछ भी ले सकते हो। आपको पता है जो मार्केट में सीजनल फ्रूट आता है वो ले सकते हो, ड्राई फ्रूट ले सकते हो, दूध ले सकते हो, सामक का आटा है, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़ों का आटा है, इनकी चपाती बना के भी खा सकते हो, ऐसा इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि भक्त के भाव क्या है और किस भाव से वो व्रत रखना चाहता है। माता रानी मेन भाव देखती है, मेन भाव देखती है, भाव की भूखी होती है, पर माँ भाव देखती है। माँ ना चढ़ावा देखती है, ना माँ कुछ तुम लोगों का ये ढोंग देखेगी, कुछ नहीं देखेगी। और लोग कहते हैं कि माँ ये मांगती है वो मांगती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भगत जनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, माँ देने वाली है, माँ लेने वाली नहीं है। माँ ने आज तक कभी किसी से आके साक्षात रूप में ये नहीं मांगा कि हमें ये दो या हमें वो दो। ये लोगों ने अपना बिजनेस बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक माँ को अलग से बदनाम करने वाला तरीका है और कुछ नहीं है। नवरात्रों में अष्टमी वाले दिन कंजके बिठाई जाती हैं, तो भक्तजन कंजके बिठा के उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं, ये तो सभी को पता ही है, सभी जानते हैं। लेकिन आप इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं कि किस तरह से दुर्गा अष्टमी करें, दुर्गा अष्टमी की पूजा किस तरह से करें। ऐसे होते हैं कि माँ की एक कढ़ाई होती है, कई लोग अष्टमी में करती हैं, कई लोग नवमी में करती हैं। वैसे देखा जाए जो नवरात्रि होती है, नवरात्रों का मतलब 9 रातें, हम 9 रातें माँ के लिए अर्पण करते हैं। लेकिन हम क्या होता है कि वक्त सातवीं वाले दिन सपनी रात को सोच रहते हैं सुबह अष्टमी है जी, सुबह कढ़ाई करके अपना खा लेंगे जो खाना है, ऐसा नहीं होता। खाने के लिए क्या होता है कि तुम लोग अष्टमी में कढ़ाई करो, कन्या पूजन करो, नवमी में दोबारा फिर कढ़ाई करो जी। नवमी का व्रत करके नवमी वाले दिन आप लोगों ने व्रत खोलना है और दशमी वाले दिन खेतरी विदा करनी है। उससे पहले घर में प्याज लहसुन कुछ भी नहीं आएगा, जब तक माँ आपके घर में स्थापित है, जब तक खेतरी विदा नहीं होगी उससे पहले आपने कुछ नहीं खाना। और खेतरी, मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भक्तों से, सभी लोग ये सोचते हैं कि अष्टमी वाले दिन खेतरी करी है, शाम कढ़ाई करी है, शाम को खेतरी विदा कर दे, ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप लोगों ने 7 दिन की तपस्या की है तो 2 दिन और करो, दशमी वाले दिन जब सीता माँ विदा होगी उसी समय, जब दिन छिप रहा होगा उसी समय खेतरी माँ को विदा करो। तो धन्यवाद मिस नीलम भाटिया जी, आपने बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दी, नवरात्रों के बारे में बताया कि किस तरह से व्रत करें, किस तरह से पूजन करें, किस तरह से माता रानी के श्रृंगार का सामान उसमें क्या क्या यूज करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। जय जय माता।